अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ऐसे है बर्ट्रांड रसल का। बर्ट्रांड रसल का ये जो ऐसे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्ट्रांड रसल जो है ना, वो इंसानियत के बहुत बड़े खैरख्वाह थे। उन्हें इंसानियत की, ह्यूमन काइंड की बहुत फिक्र रहती थी, तो इसलिए उन्हें एक बहुत बड़ा ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ऐसे में उन्होंने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं उनके, यानी 3 मुमकिनात हैं। यानी वो कहते हैं कि फ्यूचर में जो है ना, 3 चीज़ें हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़िंदगी जो है ज़मीन पे बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल वजूद नहीं रहेगा इंसान का, ख़त्म हो जाएगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है द सेकंड इज़ डैट ह्यूमन लाइफ विल बी रिड्यूस टू बार्बरिज्म बट दे विल बी एबल टू रिकलर द लाइफ, कि वो कहता है कि जो है ना, इस दुनिया में वार 1 और वार 2, मतलब यानी 2 जंगें तो हो चुकी हैं ना, तो तीसरी जंग होगी, उसमें जो है कुछ लोग जो हैं बच जाएंगे, और वो जो लोग होंगे वो अपनी दोबारा ज़िंदगी का जो है बका करेंगे, दोबारा ज़िंदगी को जो है एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे। फिर पॉसिबिलिटी नंबर 3 है देयर विल बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट डैट विल कंट्रोल ऑल नेशंस एंड कंट्रीज़, के एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी। अब तो ऐसे है ना कि हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है, लेकिन कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, वो पूरी वर्ल्ड को जो है लीड करेगी। फिर उसके बाद उसने एक और बात कही हुई है कि वो कहता है कि यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट कौन सी कंट्री को होना चाहिए, वो कहता है कि अमेरिका। अमेरिका जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे इंडिपेंडेंट और सबसे पावरफुल कंट्री है, तो अमेरिका को पूरी वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे जो है रूल करना चाहिए। तो ये तो थी उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ जो कि उसने फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में बताई हैं। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। रसल श्योरली डिसअप्रूव्स अ कॉमन एस्टेब्लिश नोशन अबाउट फिलोसफर्स डैट दे आर एबसेंट माइंडेड एंड ऑलवेज बिजी देयर हैंड्स इन मेकिंग स्पेकुलेशंस। अब क्या है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जो फिलोसफर्स होते हैं ना, ये एबसेंट माइंड होते हैं, ये इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपना वक्त ज़ाया करते हैं, इनको इंसानियत की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जो है रसल इस बात को जो है डिनाई कर देता है, इस बात से इनकार कर देता है। When he meditates on the possibilities regarding the future of mankind, जब वो उसने future of mankind के बारे में 3 possibilities बताई हैं, 3 मुमकिनात बताए हैं, he has done so because of his high sensitivity. उसने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी sensitivity power जो थी वो बहुत high थी, and deep concerns towards human beings, और इस इंसानियत की, इंसानों की बहुत फिक्र रहती थी। He was called as a traitor to his country because of his anti-war stand during the First World War. उसको जो है एक, यानी वो anti-war वारिस था, क्योंकि उसको जो था ना, वो जंग से बहुत चिढ़ थी, वो जंग के खिलाफ था, और उसने जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी तो उसमें भी उसने बहुत जो था ना, वो उसको रोकने की कोशिश की थी, उसमें अपना रोल प्ले किया था। बट दिस ओनली कंसर्न वाज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी बट हिज ओनली कंसर्न वाज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कि उसको जो है इंसानियत का बहुत जो है ना, उसका बहुत फिक्र रहती थी। लेटर ही वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस। इसके अलावा उसको अमन का रखवाला भी कहा जाता था, इसी वजह से उसे अमन को कायम करने के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इन द एडवर्ड्स ऑफ एरिक फॉर्म बर्ट्रांड रसल फाइट्स अगेंस्ट द थ्रेटनिंग स्लॉफ्टर बिकॉज ही इज़ अ मैन हु लव्स लाइफ। क्योंकि बर्ट्रांड रसल ने जो, यानी जिंदगियों की कुर्बानी दे देते हैं या उनके ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं ना, उनके खिलाफ जंग लड़ी थी, इस वजह से उसे वो आदमी कहा जाता है जो लोगों से या ज़िंदगी से मुहब्बत करता है। रसल डिस्कसेस 3 पॉसिबिलिटीज़ अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अब रसल के ने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की हैं। अकॉर्डिंग टू हिम वन इज़ द कम्प्लीट एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन कहते हैं मिट जाना, फना हो जाना, ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इस ज़मीन पे, इस प्लानट पे जो इंसानी ज़िंदगी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। द सेकेंड इज़ डैट ह्यूमन लाइफ विल बी रिड्यूस टू बार्बरिज्म एंड द फाइनल इज़ डैट देर विल बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और दूसरी ये है कि बार्बरिज्म से जो है इंसान जो है, यानी इस गिनती के कुछ जो लोग हैं ना, वो बचेंगे, यानी दोबारा वार होगी, दोबारा जंग होगी, उसमें से सिर्फ कुछ लोग सर्वाइव करेंगे और वो दोबारा ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे। एंड द फाइनल इज़ डैट देर विल बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट डॉन्ट विल कंट्रोल ऑल नेशंस एंड कंट्रीज। और थर्ड ये है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जो कि तमाम कौमों को, तमाम मुल्कों को जो है, तमाम ममालिक को कंट्रोल करेगी। अमॉन्ग दीज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी विच ही डिस्क्राइब इज कम्प्लीट एक्सटेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब पहली पॉसिबिलिटी उसने क्या बताई थी कि इस दुनिया से जो है ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दिस माइट हैपन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन विच अटोमिक वेपन्स विल बी यूज। वो उसने ऐसा इसलिए कहा था कि हो सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर दोबारा जो है कोई वार शुरू हो जाए और जो अटोमिक वेपन्स हैं उनके इस्तेमाल से ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। रसल डील्स इट लॉजिकली, रसल इस बात को लॉजिकली बयान करता है। फॉर ही सेज इफ स्टिल देयर विल बी
capitalism life after the end of the war. There would soon be another war. वो कहता है कि यानी मतलब जो ज़िंदगी में कुछ लोग बच जाएंगे या कुछ लोग जो ज़िंदा रह जाएंगे उसके बाद भी अगर जंग रही तो फिर एक नई जंग छिड़ जानी है. For there would such die hards in the superpowers who would prefer the extermination of life than surrendering to the victory of the other power. के लोग जो हैं अपनी पावर का इम्तहान लेने के लिए या फिर खुद अपना सिक्का मनवाने के लिए जो है ना वो ज़िंदगी के को मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी जंग जो है वो लड़ना शुरू कर देंगे. आफ्टर इफ एनी मैन वुड मिरेकलसली बी एबल टू एस्केप फ्राम डेथ. फिर कहते हैं कि चलो कोई करिश्मा ही हो जाता है, कोई मोजज़ा ही हो जाता है कि कोई इंसान जो है वो ज़िंदा बच जाता है या मौत से उसकी जो है ना बचाव हो जाता है. ही मे consider himself to be the emperor of the whole world. तो कहता है कि वो खुद को फिर अपनी इस दुनिया का पूरी दुनिया का शहंशाह महसूस कर सकता है. But his reign would not be long and his subject would be only dead bodies. And Russell says वो कहता है कि लेकिन उसकी जो reign कहते हैं हुकूमत को, उसकी जो हुकूमत है वो ज़्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रहेगी, मतलब उसकी जो एम्प्रेस होगी वो बहुत शॉर्ट टाइम की होगी और सिर्फ वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ ही बचेंगी. Russell says with his death and uneasy episodes of life will end and the peaceful rocks will revolve unchanged until the sun explodes. द सेकेंड पॉसिबिलिटी विच रोसल डिस्कस इज द रिवर्सल ऑफ सिविलाइजेशन. रिवर्सल कहते हैं उल्टना पलटना, किसी चीज़ का उल्ट हो जाना. सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं टू इट्स प्रिमिटिव कंडीशन. फिर वो सेकेंड पॉसिबिलिटी में ये कहता है कि रसल के यानी ये हालात जो हैं बिल्कुल इनका उल्ट हो जाएगा. रसल सुजेस्ट इफ़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेल्स टू एलिमिनेट ऑल साइंस ऑफ लाइफ. वो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर यानी वो ज़िंदगी का वजूद थोड़ा बहुत भी बच जाता है या कुछ ग्लिम्प्स या कुछ लोग भी बच जाते हैं, still that all destruction would take world to the age of barbarism. फिर barbarism का मतलब जहालत का ज़माना आ जाएगा. For in the war the major cities and industrial areas would be destroyed. फिर क्या है कि जंग की वजह से बड़े शहर होंगे या जो इंडस्ट्रियल सनती एरिया होंगे वो तबाह कर दिए जाएंगे. एंड द बैक्टेरियोलॉजिकल वारफेयर वुड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड कॉज फैमिन. और बैक्टेरियोलॉजिकल जो उसके जंग के असरात होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया क्रिएट करने वाली, तमाम फसलों को तबाह कर देंगी और कहत फैल जाएगा. जब कहत फैलेगा लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ जो है वो अकर हो जाएगी. Russell says there may be a few libraries and laboratories and scientists. वो कहते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ कुछ libraries, कुछ laboratories या कुछ scientists जो हैं वो बच जाएं. But the people might kill the remaining few scientists. लेकिन लोग क्या करेंगे कि जो बचे हुए साइंसदान होंगे उनको भी मार दिया जाएगा. In the hope of same some golden age for, यानी इस उम्मीद से मारा जाएगा कि यानी एक कोई इनके मरने के बाद जो एक golden age आएगी, कोई सुनहरा ज़माना आएगा. Extreme hopes are born of extreme misery and in such a world hopes could only be irrational. इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी है. द थर्ड पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू रोसल इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. थर्ड पॉसिबिलिटी ने यह बताई है कि तमाम दुनिया जो है एक गवर्नमेंट के अंदर एक आलमी गवर्नमेंट होगी जिसके अंडर चलेगी, तमाम नेशंस तमाम कंट्रीज उसी गवर्नमेंट को फॉलो करेंगी. ही डिस्कसेस दिस आइडिया इन मोर देन वन वे. अब उसने इस आइडिया को बहुत से डायरेक्शंस दे के बयान किया है इन विच इट वुड कुड अकर के किस किस तरह से हो सकता है. द वन इज़ द विक्ट्री ऑफ अमेरिका. सबसे पहली जो वो बात करता है वो कहता है कि अमरीका की फतह होगी. इन द सेकेंड वर्ल्ड वार दूसरी जंग में. अदर इज़ द विक्ट्री ऑफ रशिया. दूसरा वो कहता है कि रशिया जो है उसकी विक्ट्री हो सकती है. और द वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट. और क्या है कि तमाम कंट्रीज मिलके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगी कि हमने इसी गवर्नमेंट को फॉलो करना है. द बेस्ट अमॉन्ग दिस वेज इज द आइडिया ऑफ म्यूचुअल गवर्नमेंट. तो वो कहते हैं कि सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना, एक तो वो कहता है ना कि अमरीका की होनी चाहिए वर्ल्ड गवर्नमेंट, अमेरिका के पास सारे इख्तियार होना चाहिए. फिर वो कहते हैं रूस के पास होना चाहिए. फिर वो कहते हैं कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया जाए और ये बेस्ट, ये आइडिया जो है सबसे बेस्ट रहेगा. रसल्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज़ बिन क्रिटिसाइज ग्रेटली. अब जब रसल ने वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडिया दिया तो सब क्रिटिक्स ने इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया. पीपल हैव रेज्ड आर्गूमेंट्स. लोगों ने दलाल देना शुरू कर दिया कंसिडरिंग इट एज अ यूटोपियन आइडियल. मोस्ट ऑफ द किस तरह की बात कर रहे हैं कि यानी वो अमेरिका को जो है अपनी पसंदीदा जगह समझ के जो है अमेरिका को सबका जो है राजा बनाना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक डैट सच एन अलायंस कैन नॉट बी ब्रॉड पीसफुली. ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि इस तरह से करने से अमन को कायम नहीं रखा जा सकता. फॉर नो नेशन वुड सरेंडर हिज हर लिबर्टी. और कोई भी कौम या कोई भी मुल्क जो है अपनी आज़ादी अपनी लिबर्टी को अमेरिका के हवाले नहीं करेगा. रसल ऑल्सो एडमिट्स दैट द चांसेस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन फॉर्मल वेज आर एक्सट्रीमली रिमोट. फिर रसल जो है वो कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के उसने कुछ फवायद बताया कि इस तरह से अगर इसको लेके चला जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है.
ही थिंक्स डैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड नॉट बी फॉर्म्ड वॉलेंट्रीली. वो कहता है कि यानी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो वॉलेंट्रीली मर्जी से नहीं बनेगी, बट इट वुड हैव टू बी ब्रॉट ब्रॉट अबाउट बाई फोर्स. लेकिन इसको सबको एग्री करके, ज़बरदस्ती सबको इसके लिए एग्री करना होगा, सबको इसको एक्सेप्ट करना होगा. सम ऑब्जेक्ट्स डैट देर इज़ नो नीड ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज द वॉर्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन. कि वो क्योंकि वो लोग कहते थे कि यानी जंगें जो हैं इंसानी हिस्ट्री का और हमारी तहजीब का हिस्सा रही हैं, बट स्टिल ह्यूमैनिटी हैज़ सर्वाइव फ्राम दैम. लेकिन इंसान जो हैं तो उसके बावजूद, जंगों के बावजूद भी बचते रहे हैं, सर्वाइव करते रहे हैं. वॉर्स क्रिएट हीरोइज़म एंड आर नेसेसिटी ऑफ लाइफ. के वॉर से हमें हीरोज़ का पता चलता है, हीरोइज़म सामने आता है, और ये ज़िंदगी की एक ज़रूरत है विदाउट विच ह्यूमन बींग्स वुड फील फ्रस्ट्रेटेड. अगर ऐसा ना हो तो ये इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान कन हो जाएगी. टू रिफ्यूट दिस आर्गूमेंट, इस दलील से इनकार करने के लिए रसल हैज़ गिवन हिज लॉजिकल रीजनिंग. फिर रसल ने एक और लॉजिक दे दिया, एक और वजह बता दी. दैट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कोल्ड वार वुड सर्टेनली लीड टू अ ड्रेडफुल एटॉमिक वार एंड इवेंचुअली इट वुड ब्रिंग अ कंप्लीट डिवेस्टेशन. वो कहता है कि कोल्ड वुड वार की वजह से बहुत से जो खतरनाक एटॉमिक जंगें हैं वो शुरू हो सकती हैं और इससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है. नाउ मॉडर्न वार्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम द वार्स इन द पास्ट. और आजकल जो जंगें लड़ी जाती हैं, जो पास्ट में जंगें लड़ी जाती थी, उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं. रसल सेज देयर लाइज बिफोर अस, इफ़ वी चूज कॉन्टिन्यूअल प्रोग्रेस इन हैप्पीनेस नॉलेज एंड विजडम शैल वी इंस्टेड चूज डेथ बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगेट आवर क्वेल्स. आगे देखिए, देन ही विजुअलाइजेज द न्यू वर्ल्ड. फिर वो एक नई दुनिया का जो है ना कॉन्सेप्ट देता है, नई दुनिया के बारे में इमेजिनेशन करता है. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ फाइथर द टू सुपर पावर्स रशिया एंड अमेरिका. के अगर जो है इन दोनों में से कोई सुपर पावर बन जाए, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए, या वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, एज अ विक्टर ऑफ द वार, जो कि जंग जिसने जीत ली हो, जंग का फातह हो, रसल परसीव्स अ सिक्योर पीस प्रिवेलिंग इन द लॉन्ग रन. अब रसल जो है अब सारे आर्गूमेंट्स को जो है एक कंक्लूड करता है. थो देयर वुड बी ओकेजनल मर्डर्स एंड माइनर रिवॉर्ड्स, बट इन सच अ स्टेट एनी लार्ज स्केल रिबिलियन वुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन. वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो यानी बहुत से जो यानी मर्डर्स वगैरह होते हैं या जो गुनाह किए जाते हैं, क्राइम्स होते हैं ना, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम हो जाएगी और यानी रिबिलियन का भी, या फिर जो कहते हैं ना इसका मुखालफत का या खिलाफ वर्जी का जो क्वेश्चन है वही नहीं उठेगा. रसल प्रेफर्स अमेरिका टू कंट्रोल द वर्ल्ड गवर्नमेंट. फिर रसल कहता है कि यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट अमेरिका को बनना चाहिए. एंड ही हैज़ गिवन एन मेनी रीजंस फॉर दिस प्रेफरेंस टू अमेरिका. और उसने बहुत सी वजूहत भी बताई हैं कि अमेरिका को क्यों बनना चाहिए, बट हिज प्रेफरेंस हैज़ नो पोलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बेसिस. लेकिन उसने जो भी वजूहत बताई उसकी सियासी लिहाज से या फिर आइडियोलॉजिकल लिहाज से कोई भी वैल्यू नहीं है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबल कंडीशन ऑफ पीपल अंडर दी स्टेट्स. लेकिन उसने सिर्फ इस वजह से अमेरिका को प्रेफर किया है क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों की जो हालत है वो, क्योंकि अमेरिका जो है एक पावरफुल कंट्री है, लिबरल कंट्री है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसकी सारी पावर्स अपनी हैं. द मेजर रीज़न टू प्रेफर अमेरिका इज़ डैट ही रिस्पेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमननेस. अब क्या है कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अमेरिका जो है ना वो सिविलाइज्ड लाइफ की वैल्यू को रिस्पेक्ट देता है, उसकी इज्जत करता है, कि मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों को अपनी सोचों की आज़ादी होती है, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी होती है, उनको सारे इंसानी हकूक जो है वो दिए जाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड इन कम्युनिस्टिक कंट्रीज, लेकिन दूसरे मुल्कों में देखा जाए जैसे कि रूसिया है, देर इज़ नॉट लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल्स. के वहाँ पर रहने वाले लोग आजाद नहीं होते एंड गवर्नमेंट हैज अ स्ट्रिक्ट होल्ड ऑन द कॉमन मैसेज. और लोग गवर्नमेंट जो होती है वहां पे रहने वाले लोगों पे जो है बहुत ज्यादा सख्ती करती है, बहुत ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है. दस रसल सेज इट्स ओनली एम इज टू प्रमोट द माइंडलेस रिपीटेशन ऑफ पार्टी स्लोगन्स एंड टू. ये कोटेशन आप स्किप कर दें. आगे देखिए, मोर ओवर देर इज कंसिडरेबली लेस ऑर्थोडॉक्सी इन अमेरिका दैन इन रशिया. इसके अलावा फिर वो कहता है कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल है दियर रशिया के नस्बत. दियर साइंटिस्ट, ऑथर एंड फिलोसोफर्स कैन चूज एनी सब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द ऑफ स्टेट इंटरेस्ट. के वहाँ पर के रहने वाले जो साइंसदान हैं या ऑथर हैं या फिलोसोफर हैं ना, वो अपनी मर्जी का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. वाइल इन रशिया सच थिंग्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑफिशियल व्यूज़. लेकिन क्या है कि अगर रूस में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने, वहाँ के ऑथर्स ने, साइंटिस्ट ने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो वो उनको उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है, गवर्नमेंट उनको परमिट करती है तो वो उसको चूज़ कर सकते हैं. मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार सकते. रसल सजेस्ट येट अनदर वे टू प्रिवेंट अ हॉरिबल वार. वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत खौफनाक जंग जो है वो शुरू होने वाली है. इन हिज ओपिनियन अमेरिका वुड मेक एन अलायंस विद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस. फिर वो कहता है कि अमेरिका जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ मिलकर जो है एक टीम बनाएगा एंड विद अदर यूरोपियंस नेशन
ایشین ہو وانٹ ٹو جوائن دیم، اور دوسری یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بھی اگر ان کو جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. آل دا ملٹری پاور آف دیز کنٹریز اینڈ ویپنس شوڈ بی یونائٹیڈ اینڈ دین دے شوڈ ڈکلیئر وار آن دا نیشن. وہ کہتا ہے جب تمام پاورز مل کے، تمام پاورفل کنٹریز مل کے ایک ہو جائیں گی تو پھر وہ، پھر ان کو جنگ کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ سب ایک بڑی پاور بن کے ابھریں. ان دس وے رشیا مائٹ آلسو بی ایگری ٹو جوائن دا الائنس جسٹ بائی دا تھریٹ آف وار. پھر کہتا ہے کہ جب ایسا ہوگا کہ ساری کنٹریز ایک ہو جائیں گی، امریکہ کے ساتھ مل جائیں گی، تو پھر روس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا اور اس کو بھی جو ہے اس ٹیم کو، اس الائنس کو جوائن کرنا ہی پڑے گا جنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے. بٹ اسٹل ہی ڈز ناٹ لیو دا پاسبلٹی آف رشین ریفیوزل. لیکن ابھی تک اس نے رشیا کے کو انکار، رشیا کو جو ہے نا گورنمنٹ بننے سے انکار نہیں کیا. ان سچ این الائنس دیئر شوڈ بی اے لیجل چیک آن دا پاور آف دا لیڈر. وہ کہتے ہیں کہ اب جب اس طرح کا جو الائنس بنے گا، اس طرح کی جو ٹیم ہوگی، اس طرح کی جو پاورفل وہ گورنمنٹ ہوگی نا، اس کو باقاعدہ چیک کیا جائے، وہاں کے لیڈرس کو چیک کیا جائے بائی ادر نیشنز، دوسری نیشنز آ کے یا دوسرے کنٹریز ان کو، ان پہ باقاعدہ چیکنگ کریں. سو دیئر وڈ بی اے نو چانس آف کرپشن. تو پھر وہاں پہ کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وچ از شور ٹو کمپنی ٹاور ان دیز ان ادر کیسز اٹ وڈ بی سچ این کمبینیشن آف اسٹیٹس. کہ اس طرح کی یعنی تمام اسٹیٹس کا جو کمبینیشن ہوگا وہ ایک بہت پاورفل کمبینیشن ہوگا. نیکسٹ یہ کوٹیشن آپ اسکپ کر دیں. آگے دیکھیے. Among the many advantages of a single world government is that the defense expenditure of every nation would diminish. اب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ساری دنیا مل کے ایک گورنمنٹ بنا لے گی تو جو ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں نا ہر قوم کے، وہ کم ہو جائیں گے. مطلب یعنی اب تو ہر گورنمنٹ کے اپنے خطرے، اپنے اخراجات ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، جب ساری گورنمنٹ مل کے ایک ہو جائیں گی تو پھر ان کے ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اینڈ بائی دس وے ہیومن بینگس وڈ بی مور ہیپی دین بیفور. اس طرح سے انسان جو ہوں گے وہ پہلے سے زیادہ خوش حال زندگی بسر کریں گے. But a little earlier than this subtle suggestion did not seem to be implemented to the world. لیکن ایسا دیکھا جائے تو رسل کا یہ سجیشن جو ہے پوری دنیا میں امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکا، اس کی بات کسی نے مانی تو نہیں. فار چائنا ہیز ایمرجڈ ایز اے ورلڈ پاور وتھ نیوکلیئر ویپنز. لیکن چائنا جو ہے نا وہ ایک بہت پاورفل کنٹری کے طور پہ ابھرا، اس کی نیوکلیئر پاورز بہت زیادہ ہیں. اینڈ اٹ وڈ سرٹنلی ناٹ لائک امیریکا ایز دا اونلی ڈومیننٹ نیشن ٹو کنٹرول بوتھ ایسٹ اینڈ ویسٹ. لیکن یہ امیریکا کی طرح نہیں بن سکتا جو کہ ایسٹ میں بھی جو ہے پھیل جائے اور ویسٹ میں بھی. آگے دیکھیے. بٹ ناؤ آفٹر 9/11 ونس اگین رسلز آئیڈیا آف دا ورلڈ گورنمنٹ سیمس ٹو بی پاسبل. لیکن اب اتنے صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی دیکھا جائے تو رسل کا آئیڈیا جو ہے وہ آج بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. فار امریکہ اینڈ بریٹن ہیز بریشن ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ڈومینیٹ دا پوئر نیشن. کیونکہ امریکہ نے اور برطانیہ کے جو ہے دوسرے جو غریب قومیں ہیں یا غریب ممالک ہیں ان پہ ڈومینیشن شروع کر دی ہے. سب لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو، ان کے لائف اسٹائل کو، ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں ورلڈ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش دیئر ہولڈ آن دا ورلڈ. تو اس لیے امریکہ اور برٹش مل کے جو ہیں ایک پاورفل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور پوری دنیا ان کے انڈر رہ سکتی ہے. ہاؤ اوور اصل چیف کنسرن ان آل دس ڈسکشن کنکلوژن کریں گے یہ کہ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے ہز گڈ ول اینڈ سنسیئر کنسرن ٹو وارڈس پیس اینڈ سروائیول آف مین کائنڈ. کہ وہ انسانیت کا سروائیول چاہتا تھا، وہ یہ انسانیت کی بقا چاہتا تھا. وی کین شیورلی کنکلوڈ دیٹ ہی واز اے ٹرو آپٹیمسٹ پیسیفسٹ اینڈ ہیومنسٹ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ہر چیز کی پازیٹیو سائڈ دیکھنے والا، ایک انسانیت کا بہت بڑا خیر خواہ تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس ایسے کی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.